स्वागत है दोस्तों मैथोपोलिक एजुकेशन में। जैसा कि आईटीजीएम 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ अभी कुछ दिन पहले और हमारे कई स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी रैंक आई है, जिनमें से आज हम बात करेंगे मिस्टर गुंजन कुमार से और उनकी AIR 19 है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटीजीएम को आपने जाना कैसे इस एग्जाम के बारे में, और फिर बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, आपने स्ट्रैटेजी कैसे रखी अपनी, और बुक्स के बारे में बात करेंगे कि बुक्स कौन सी फॉलो करी आपने। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आईटीजीएम के बारे में कैसे मतलब कि पता किया? सर, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड से जाना कि आईटीजीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं IIT से MSc कर सकता हूँ किसी प्रॉपर सब्जेक्ट को लेकर। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, लाइक मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि आखिर मैं प्रिपरेशन शुरू कैसे करूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च करता था कि आईटीजीएम, तो सर का मुझे वीडियो मिला, मैंने उनका ग्रुप थ्योरी और रियल का कुछ वीडियो देखे तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बुक में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप इजी वे में नहीं समझ पाते हैं, जो मुझे सर के लेक्चर में इजी वे में समझ में आया। तो मैंने सर का लेक्चर परचेज किया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रही, आपने कैसे उसमें इम्प्रूव किया अपनी लाइक प्रिपरेशन में कैसे इम्प्रूव किया, तो ये चीज़ें बताएं आप जरा। सर, जैसा कि अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी मेरा यही था कि मैंने पहले सिलेबस क्रिएट किया और मैं जानना चाहे किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं देखा कि रियल लाइफ से 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, लीनियर की बात करूँ तो लीनियर में 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसे में ग्रुप थ्योरी की बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी में 8-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, और मैं अप्लाइड सेशन की बात करूँ तो उसमें भी लगभग 10 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैंने नंबर में मैं चैप्टर को नंबर में डिवाइड करने के बाद मैं सोचा कि मैं प्योर और अप्लाइड को साथ में लेकर चलूँ। मैं प्योर से रियल एनालिसिस को उठाया और अप्लाइड से मैंने ODU को लिया, क्योंकि ODU सिंपल टॉपिक है। मैं ODU को पर डे 1-1.5 घंटे देता था और जो भी टाइम मिलता था मैं उसमें सर का लेक्चर देखता था, उससे जो नोट्स बनते थे मैं उस नोट्स को प्रॉपर में बनाता था, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी हो जाता है आपका लास्ट टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही मैंने लीनियर लिया और उसका वेक्टर लिया, और मैं ग्रुप थ्योरी लिया और इंटीग्रल, मैंने ऐसे ही मतलब एक प्योर और अप्लाइड लेकर मैं चलते गया और सर के जो लेक्चर थे उनसे मैं नोट्स प्रॉपर वे में बनाते गया। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आपने बुक्स कौन सी प्रेफर की, आपको बुक्स कौन सी मतलब आपने फॉलो की है वो आप बताइए। सर, मैं अगर बुक की बात करूँ तो मैं रियल एनालिसिस की बात करता हूँ पहले, तो रियल एनालिसिस में मैंने सर दो बुक फॉलो किया, एक तो जो मेरा यूनिवर्सिटी में चलता था एशियन पब्लिकेशन का, और मैं दूसरा जो बुक फॉलो किया वो SK मापा था, क्योंकि SK मापा बहुत ही बेहतर बुक है, उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं लीनियर की बात करूँ तो लीनियर में मैंने फीडबैक का बुक फॉलो किया, ग्रुप थ्योरी की मैं बात करूँ तो उसमें मैंने जोसेफ गैलियन का बुक फॉलो किया, और अप्लाइड सेशन में अगर मैं वेक्टर और इंटीग्रल की बात करूँ तो उसमें मैं सॉम सीरीज का बुक फॉलो किया। उसके बाद जो भी सर के असाइनमेंट थे मैंने उस असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व किया। बस एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए प्रॉब्लम रहती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे देखने पर? फर्स्ट बेनिफिट तो मेरा ये था कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं ऑनलाइन लेक्चर देख रहा हूँ, मेरे जितने सारे डाउट थे वो सारे क्लियर होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी ऑफलाइन टीचर से ही पढ़ रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि इसमें जो आपका प्राइस टेस्ट था उसमें क्या था कि मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता था, मैं उसके लिए अच्छे से मेहनत करता था और मुझे टेस्ट देने के बाद मतलब अच्छा फील होता था। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो एग्जाम के लास्ट मंथ होते हैं वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर, मैं अगर लास्ट मंथ की बात करूँ तो लास्ट मंथ में मैंने कुछ नहीं किया, बस जो मैं पढ़ा था उसको रिवीजन करते रहा, मैं हमेशा कूल रहता था, मैं माइंड को स्ट्रेस में नहीं आने दिया, और मैं रेगुलर वे में टेस्ट देते रहा, मैं पर डे टेस्ट देता था, 1-2 टेस्ट जो भी होता था मैं टेस्ट देते रहा। तो जैसा कि हमने मिस्टर गुंजन कुमार से बातचीत की और आई होप आपको समझ में आई होगी, और मैं एक लास्ट बात ये भी बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो 2021 के एस्पायरेंट्स हैं, हमारा बैच अनाउंस हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा ऐप का हमारे, और प्लेलिस्ट में जितने भी ग्रुप थ्योरी, आप अगर हमारे यहाँ चैनल में नए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ग्रुप थ्योरी रियलिसिस और भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो